सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, कभी नाम सुना है ये? मैंने भी नहीं सुना था, पर वीडियो बनाना है तो रिसर्च तो करनी पड़ेगी। ये सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड आपका प्यारा टी सीरीज ही है, और आज हम टी सीरीज के ही बारे में बात करने वाले हैं कि टी सीरीज इतना पॉपुलर कैसे है और इतनी बड़ी ग्रोथ का राज कैसे क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं व्हाट्स ट्रेंडिंग, और आज हम बात करने वाले हैं टी सीरीज के रैपिड ग्रोथ के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं कि टी सीरीज है क्या। मुझे मालूम है कि बहुत लोगों को मालूम होगा पर सबको नहीं। तो गुलशन कुमार जी ने टी सीरीज की स्थापना की 1983 में, मतलब गुलशन कुमार टी सीरीज के फाउंडर है, और उनका यानी कि टी सीरीज का हेडक्वार्टर्स नोएडा इंडिया में है। आपको मालूम ही होगा कि टी सीरीज करता क्या है। टी सीरीज यूजुअली गाने बॉलीवुड्स के, मूवी के ट्रेलर, या फिर बिहाइंड द सीन्स गाने के पीछे क्या हुआ, ऐसे एंटरटेनमेंट वाले सब वीडियोस वगैरह पोस्ट करते हैं। गुलशन कुमार जी के डेथ के बाद उनके बेटे भूषण कुमार जी, वो अभी टी सीरीज का सब देखते हैं, मतलब अभी वो ओनर है। अभी टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पे टोटल अभी तक 72 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और उनके टोटल व्यूज 54 बिलियन है। बिलियन, सही सुना आपने, 54 बिलियन व्यूज। और इतने व्यूज से ये यूट्यूब का सबसे मोस्ट व्यूड चैनल है। सबसे और मोस्ट कॉमन नहीं लगता है, ओके नो प्रॉब्लम। और ये जल्दी प्यूडीपाई को सरपास करने ही वाला है। और हालांकि आप जब ये वीडियो देख रहे हो, टी सीरीज ने प्यूडीपाई को सरपास कर ही लिया होगा, मुझे तो लगता ही है। आप बताएं नीचे कमेंट्स में कि आप कभी देख रहे हैं। तो अभी मेन थिंग आता है टी सीरीज के पीछे का राज, मतलब टी सीरीज के ग्रोथ के पीछे का राज। तो हमारे पास तीन पॉइंट्स है जिसकी वजह से शायद टी सीरीज रैपिडली ग्रोथ कर रहा है। पर मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ मेरी कैलकुलेशंस है और रियल में कुछ अलग रीजंस भी हो सकते हैं, तो कमेंट्स में गाली मत दीजिए। और वैसे ही बढ़ते हैं हम लोग हमारी फर्स्ट पॉइंट की तरफ। फर्स्ट पॉइंट है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो जब से एंटर हुआ है इंडिया में, बहुत सारे चेंज हो गए, लिटरली बहुत सारे चेंज हो गए। नए यूट्यूबर्स आ रहे हैं, नए लोग ई बिजनेस कर रहे हैं, लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग समझ में आ रहा है क्या होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस मालूम पड़ रहे हैं, और यही रीजंस है कि टी सीरीज को भी बहुत बूस्ट मिल गया है। क्योंकि अगर आप टी सीरीज की ग्रोथ देखने जाए तो 2016 से पहले बहुत ही कम थी, पर जियो 2016 के बाद बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिली है टी सीरीज को। बट ये सिंगल रीज़न नहीं है कि टी सीरीज ग्रो कर रहा है। और वैसे ही हम लोग जाते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, जो है मल्टीपल वीडियोस पर डे। टी सीरीज एक बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है, इसलिए एक दिन में बहुत सारे वीडियो एक साथ डालना उसको कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। और आपको भी मालूम है कि सब्सक्राइबर्स वीडियो देख के आते हैं, और यहाँ पे लोग एक वीडियो नहीं बहुत सारी वीडियो से सब्सक्राइबर्स गेन कर रहे हैं। आपने पहला वाला वीडियो देखा, आपको वो पसंद आ गया, आपने सब्सक्राइब कर लिया। दूसरे वाले ने दूसरा वीडियो देखा और वो अच्छा लगा और उसने सब्सक्राइब कर लिया। ऐसे बहुत सारे वीडियो देख के सब्सक्राइबर्स बहुत बढ़ते हैं। पर अगर आप बोल रहे हो कि वैसे बहुत अलग अलग चैनल्स भी हैं जो डेली 4-5 वीडियो अपलोड करते हैं, मतलब ब्राइट साइड या फिर आप कह सकते हो 5 मिनट्स क्राफ्ट, वो लोग के ऐसे 70-80 मिलियन क्यों नहीं है। तो वैसे ही हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, जिसका नाम है सॉन्ग एल्गोरिदम ऑफ यूट्यूब। इसके बारे में मेरे पास ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं, पर मैं लॉर्ड जो भी कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। बॉलीवुड तड़का, यू नो। तो सॉन्ग एल्गोरिदम में क्या होता है, यूट्यूब के एल्गोरिदम के हिसाब से यूट्यूब वो वीडियोज़ जो सॉन्ग कैटेगरी में आते हैं या फिर जो सॉन्ग्स होते हैं
उनको ज़्यादा प्रमोट करता है। और वैसे भी हम इंडियंस को गाने बहुत ही पसंद आते हैं, हर एक के व्हाट्सएप के स्टेटस के पीछे एक गाना तो होता ही है। इसलिए आपने भी देखा होगा कि सॉन्ग्स को बहुत सारे व्यूज़ आते हैं, पर ऐसे नॉर्मल वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा 100 मिलियन 200 मिलियन और वो सब आते हैं, पर अगर सॉन्ग्स देखोगे तो 500 मिलियन से स्टार्टिंग होता है सॉन्ग्स का, सच्ची बोल रहा हूँ। तो अलविदा बोल के अभी मैं अपने 4 शब्द ख़त्म करता हूँ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। पीस आउट।